आज का हिंदी कार्यशाला तीन मुख्य विषयों पर आधारित है। पहला, संविधान सभा से संविधान तक हिंदी की यात्रा। दूसरा, सरकार द्वारा हिंदी के प्रसार को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। और तीसरा, केंद्र सरकार के कार्मिक होने के नाते राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुपालन में हमारा कर्तव्य। आधुनिकता के इस दौर में हम अपनी संस्कृतियों, परंपराओं, कलाओं और भारतीय भाषाओं से विचलित हो रहे हैं। यूरोपीय देशों, विशेष रूप से इंग्लैंड के आगमन के साथ ही अंग्रेजी भाषा ने भारतीय भाषाओं पर ऐसा प्रहार किया कि आजादी के बाद भी अंग्रेजी भाषा का दीवानापन देशवासियों के दिलों दिमाग में पूरी तरह बस गया है। You speak very good English. Thank you, but I don't go to school. No, no reading, don't writing, just I talk English. लॉर्ड मैकाले ने अपने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 में कहा था, एजुकेशन शुड क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्संस इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियंस इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। अर्थात शिक्षा नीति ऐसे लोगों का वर्ग निर्मित करेगी जो खून और रंग से तो हिंदुस्तानी होंगे परंतु स्वाद, विचार, नैतिकता और प्रतिभा से अंग्रेज होंगे। इसके बाद विज्ञान और साहित्य की शिक्षा देने के बहाने अंग्रेजी भाषा का ऐसा प्रचार प्रसार किया कि आज तक हम भाषा की उस गुलामी से आजाद नहीं हो पाए हैं। आइए अब हम समझते हैं कि संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विषय पर क्या बहस हुई। 1946 में हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के संभावनाओं पर अपने अपने विचार साझा किए। संविधान सभा में कांग्रेस के नेता आरवी धुलेकर ने राष्ट्रभाषा पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा, जो लोग हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग भारत के लिए संविधान बनाने के लिए इस सदन में उपस्थित हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं वे इस सभा के सदस्य बनने के योग्य ही नहीं है। आगे धुलेकर ने कहा, हम सब हमेशा से अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में बात करते हैं। इसने मुझे सर दर्द दे दिया है। मुझे आश्चर्य है कि भारतीय अपनी भाषा में बात क्यों नहीं करते। एक भारतीय होने के तौर पर मेरा मानना है कि सदन की कार्यवाही हिंदुस्तानी में चलाई जानी चाहिए। परंतु संविधान सभा के कई नेता, विशेष रूप से दक्षिण भारत से आने वाले नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के प्रयासों का पुरजोर विरोध किया। मद्रास के टीटी कृष्णाचार्य ने कहा, अगर हमें हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया जाएगा तो इस तरह की असहिष्णुता हमें चिंतित करती है कि मजबूत केंद्र का मतलब यह होगा कि उन लोगों को गुलाम बनाना होगा जो केंद्र की भाषा नहीं बोलते हैं। संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विषय पर लंबी बहस के बाद इस बात पर सहमति बनी कि संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी और संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी संघ की राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को यह पूरे देश में लागू हो गया। संविधान के लागू होते ही हिंदी को लेकर कई विचारधाराओं ने जन्म लिया और फिर से बहस शुरू हो गई। एक और केंद्र सरकार और हिंदी भाषी राज्यों ने हिंदी की पुरजोर वकालत की, वहीं कई गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे दक्षिण भारत, बंगाल आदि ने इसका विरोध किया। 21 मई 1950 को तिरुवनंतपुरम में अपने एक भाषण के दौरान सरदार पटेल ने कहा कि यदि दक्षिण भारत के लोग राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं सीखेंगे तो वे केंद्रीय संगठनों और केंद्र सरकार की नौकरियों में पीछे रह जाएंगे। राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1955 और 1960 में दो भाषा आयोगों का गठन किया गया। 1963 में हिंदी का विषय फिर से लोकसभा में उठाया गया जिसमें दक्षिण भारत और बंगाल के सांसदों ने अंग्रेजी भाषा को राजभाषा बनाने की मांग की। दोनों पक्षों के बीच समझौते के तौर पर इसी वर्ष राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया और तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भरोसा दिया कि हिंदी भाषा को किसी भी गैर हिंदी भाषी राज्य पर नहीं थोपा जाएगा।
1964 में नेहरू के निधन के बाद भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा, जो हिंदी के कट्टर समर्थक थे, ने अन्य सभी केंद्रीय मंत्रालयों को हिंदी में हुई प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए निर्देश जारी किया और 26 जनवरी 1965 से राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त करने और हिंदी को जारी रखने के संबंध में उनके सुझाव और उनकी तैयारी की भी जानकारी मांगी। जब इन निर्देशों की खबर तमिलनाडु पहुंची तो छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए, दंगे और आत्मदाह जैसी घटनाएं हुई और यह सिलसिला कई महीनों तक चला। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में जून 1965 में केंद्रीय मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और एक समझौता हुआ कि गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी कभी थोपी नहीं जाएगी। 1965 के इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौते को बाद में 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम के माध्यम से राजभाषा अधिनियम 1963 में शामिल किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संसद में हिंदी और अंग्रेजी के संयुक्त उपयोग का प्रावधान किया गया। इसने केंद्र और हिंदी भाषी राज्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में हिंदी और केंद्र और गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों के बीच संचार के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग की भी अनुमति प्रदान की। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारों ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें से प्रमुख कुछ इस प्रकार हैं। पहला, विश्व हिंदी दिवस। 1975 से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी के दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में संबोधन। हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्रों में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हिंदी में संबोधन किया गया है। अगला है स्वैच्छिक वित्तीय योगदान समझौता। 2018 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के बीच 2 साल की अवधि के लिए एक स्वैच्छिक वित्तीय योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे 2019 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया है और वर्तमान में यह मार्च 2025 तक लागू है। अगला है विश्व हिंदी सम्मेलन। विदेश मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के सरकारों के सहयोग से विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। विभिन्न अनुवाद सॉफ्टवेयरों की शुरुआत। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग ने अनेक सॉफ्टवेयरों की शुरुआत की है। इनमें से प्रमुख है कंठस्थ सॉफ्टवेयर। यह एक मोबाइल व कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है जो अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। इसे गृह मंत्रालय ने पुणे आधारित सी डैक के सहयोग से तैयार किया है। अब तक इसके 2 संस्करण विकसित किए गए हैं। अगला है लीला हिंदी प्रवाह। कंप्यूटर आधारित यह सॉफ्टवेयर अंग्रेजी से हिंदी एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवादित सामग्रियां उपलब्ध कराता है। इसे भी गृह मंत्रालय ने पुणे आधारित सी डैक के सहयोग से तैयार किया है। अगला है हिंदी शब्द सिंधु। यह सॉफ्टवेयर हिंदी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की सुविधा तथा खोजे गए शब्द का वाक्य में प्रयोग की सुविधा देता है। इसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने मिलकर तैयार किया है। ये सभी सॉफ्टवेयर राजभाषा विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट ने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विभिन्न एप्लीकेशनों जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट आदि के माध्यम से सेकंडों में बड़े बड़े अंग्रेजी वाक्यों अथवा पूरे डॉक्यूमेंट को हिंदी में अनुवाद करने की सुविधा देती है। इसके अलावा गूगल भी अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध कराती है। आइए अब हम समझते हैं कि केंद्र सरकार के कार्मिक होने के नाते राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। केंद्र सरकार की राजभाषा नीतियों के आधार पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तक के अनुसार का क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में ध्यान देने वाली बातें इस प्रकार हैं। पहला,
लिफाफों पर लिखने की भाषा। क और ख क्षेत्र को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पता हिंदी भाषा में लिखा जाए। ग क्षेत्र को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पता द्विभाषी रूप में अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में लिखे जाएं। दूसरा, नाम पट, रबड़ की मुहरें, कार्यालय की मुद्राएं, पत्र शीर्ष और लोगो यानी प्रतीक द्विभाषी होनी चाहिए जिसमें हिंदी अंग्रेजी के ऊपर होनी चाहिए। तीसरा, सरकारी समारोहों के लिए निमंत्रण पत्र द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं। चौथा, फाइल कवरों पर विषय हिंदी में लिखे जाएं। पांचवा, स्टाफ कार प्लेटों पर नाम द्विभाषी लिखवाए जाएं। छठा, नियम पुस्तकों फार्मों कोडों आदि को द्विभाषी छपवाए जाएं। शीर्षक पहले हिंदी में हों फिर अंग्रेजी में हों। हिंदी अक्षरों के टाइप अंग्रेजी से छोटे ना हों। सातवां, का क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों विभागों और कार्यालयों उपक्रमों आदि की बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त केवल हिंदी में ही जारी किए जाएं। और आठवां, का क्षेत्र में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में ही की जाएं। धन्यवाद।